40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपद्रवियों के खिलाफ तुर्की का आदेश भी जारी किया जा चुका है। अब्दुल मलिक समेत 9 पर नामजद कार्रवाई। उपद्रवियों की दिन रात तलाश में जुटी पुलिस। शहर में फिलहाल हालात सामान्य हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो अल्बानी हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी अन्य की तलाश में लगातार पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। तुर्की का आदेश भी जारी किया गया है उपद्रवियों के खिलाफ। जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, उपद्रवियों के द्वारा गाड़ियां फूंकी गई थी, उन सब की भरपाई आप उपद्रवियों के द्वारा की जाएगी, उपद्रवियों से की जाएगी। तुर्की का आदेश भी जारी हो चुका है। अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद पर कार्रवाई होगी। उपद्रवियों की दिन रात तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शहर में फिलहाल हालात अब सामान्य हो चुके हैं और अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। उनकी पहचान की जा रही है और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है उपद्रवियों ने, उसको लेकर नोटिस भी भेजा जा रहा है। अब तक 42 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई। हल्द्वानी हिंसा में एक्शन लगातार जारी है। हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई अब और तेज हो गई। अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 42 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उपद्रवियों के खिलाफ तुर्की का आदेश भी निकाला जा चुका है। अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद पर कार्रवाई होगी। उपद्रवियों की दिन रात तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शहर में फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बनभूरपुरा में विवादित जगह पर पुलिस चौकी भी बना दी गई है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश है कि जितने भी उपद्रवी उस दिन हिंसा में शामिल थे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, पुलिस चौकी को फूंका, उन सभी से इस नुकसान की भरपाई भी की जाए। तुर्की का आदेश भी जारी किया गया है। जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, उसके साथ साथ 9 और नामजद जिन पर तुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बाकी अन्य की तलाश लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए थे उन